चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में खंड प्रथम, द्वितीय और तृतीय के अधीन आने वाले 594 गांवों के 14,000 से अधिक काश्तकारों की अफीम तौल का काम आज से शुरू हो गया है। कोटा के नारकोटिक्स विभाग के उपायुक्त विकास जोशी ने बताया कि अफीम तौल का काम आगामी 15 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किसानों को भुगतान किया जाएगा। हमारे चित्तौड़गढ़ सेंटर पे आज यह काम जो तरीके से चलना चाहिए था वो चालू हो चुका है जी। पहले दिन थोड़े हम कम काश कर लेते हैं ताकि जो भी इंतजाम है उसको अच्छी तरह देखा जाए, व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा नहीं चल रहा है। इस बार कुछ स्पेशल तरीका के, क्योंकि इस बार दो तरह के संग्रहण करे जाएंगे, एक तो अफीम को हम इकट्ठा करेंगे, फिर डोडा चूरा भी इस बार हम लिया जाएगा जो सीपीएस पद्धति के अनुसार जो हमने किसानों के द्वारा हमको इकट्ठा करना है। अभी मैं आया हूँ देखने के लिए कि काम बड़ा व्यवस्थित तौर से चल रहा है और कुछ कमियाँ मुझे महसूस हुई, मैंने इनको आदेश दे दिए हैं कि उनको दुरुस्त कराया जाए। मोटा मोटी काम बिल्कुल सही है, जिस तरह से हमारे मुख्यालय से आदेश आए उसकी तरफ से काम चल रहा है।